तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल लहसुनी पालक की रेसिपी। तो दोस्तों चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक प्लेट लहसुनी पालक बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम पालक लिया है और जिसको हमने छांट लिया है और पत्ते पत्ते अलग कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों इनको अच्छे तरीके से पानी की सहायता से धो लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक तपेले के अंदर पालक को ऐड कर देंगे और आधा तपेला जितना पानी को ऐड कर देंगे। उसके बाद अच्छे तरीके से इसको धो लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रोसेस हम 2 से 3 बार करेंगे। इसके बाद ऊपर तैरते हुए पालक को इस प्रकार से निकाल लेंगे ताकि जो भी मिट्टी रहेगी पालक की वो सारी नीचे बैठ जाएगी। फिर दोस्तों इसके बाद हम पालक को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर हमने पालक को सस्पेन के अंदर ऐड कर दिया है और 1 से 2 कप पानी को ऐड कर देंगे। इसको हम उबालेंगे 1 मिनट तक। उबलने के बाद यहाँ पर हमने 30 सेकंड तक उबाल लिया है। फिर इस पालक को हम छलने की सहायता से छान लेंगे। छानने के बाद इसको वापस दोस्तों ठंडा करना है जिससे कि दोस्तों बिल्कुल इसका जो कलर है वो फेड नहीं होगा और एकदम अच्छे तरीके से ग्रीन कलर रहेगा इस पालक का। इसके बाद दोस्तों पालक को हमने यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक छोड़ दिया है ऐसे ही ताकि पालक अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। यहाँ पर हमारा पालक ठंडा होता है जब तक हमें तड़का बनाने के लिए एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्ची ली है, 8 से 10 कली लहसुन की ली है जिसके हमने छिलके उतार लिए हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज को बारीक काट लिया है और लहसुन को क्रश्ड कर लिया है जो कि ये वाली लहसुन हम तड़के के अंदर ऐड करेंगे और ये वाली लहसुन बाद में ऊपर से ऐड करेंगे फ्राई करके। और हरी मिर्ची को भी यहाँ पर हमने बारीक काट लिया है, टमाटर को भी हमने यहाँ पर बारीक काट लिया है। फिर हमें पालक को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने छोटे जार के अंदर पीस लिया है अच्छे तरीके से। इसके बाद हम तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तड़का बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्राई पैन को लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को ऐड कर दिया है। दोस्तों जैसे हमारा तेल गर्म हो जाए 1/2 टीस्पून जीरा को ऐड कर देंगे और क्रश्ड करी हुई लहसुन को ऐड कर देंगे। लहसुन को दोस्तों पहले भुनेंगे हम। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि लहसुनी पालक की रेसिपी बताइए बिल्कुल सिंपल स्टाइल में। तो दोस्तों उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है जिसमें कि ज़्यादा सामग्री का उपयोग इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे लहसुन का गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद हमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची को ऐड कर देंगे और साथ ही साथ बारीक कटे हुए प्याज को भी ऐड कर देंगे। दोस्तों इन सभी को हमें ब्राउन होने तक भूनना है। तो दोस्तों होटल एंड रेस्टोरेंट से रिलेटेड डिश की वीडियो की अपडेट पाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लाल कलर बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देना दोस्तों। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुँच जाएगी दोस्तों। और आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो यहाँ पर हमें 1 मिनट तक प्याज को भून लिया है जिससे कि प्याज हमारा अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। इसके बाद इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसाले में हमने यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर को ऐड करी है और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करा है। इसके बाद थोड़ा सा मसाले को भूनने देंगे। जैसे हमारा मसाला भून जाए उसके बाद हमें बारीक कटे हुए टमाटर को ऐड कर देना है और थोड़ा सा चम्मच को चलाएँगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े से गल जाए। और इसके बाद पिसा हुआ पालक को ऐड कर देंगे। इसमें दोस्तों हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी जिस पर आप क्लिक करके हमारे नए चैनल पे आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों वहाँ पर भी इसी प्रकार से हमें प्यार दीजिएगा दोस्तों। वहाँ पर मैं मोबाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम की सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अभी जाइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें हम स्वादानुसार नमक को ऐड करेंगे। दोस्तों आप जब भी पालक की सब्ज़ी बनाएं तो इस बात का आप खास करके ध्यान रखें बाकी सब्जियों के मुकाबले नमक इसमें कम ही ऐड करें। इसको पकने देंगे दोस्तों 1 से 2 मिनट तक। यहाँ पर हमने 2 मिनट तक पालक को अच्छे तरीके से पका लिया है। इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर को ऐड कर देंगे। इसमें आप चाहे तो फ्रेश अमूल क्रीम और बटर भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल लहसुनी पालक बनकर तैयार हो गई है। तो इसको आप रोटी पराठा नान राइस किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही शानदार रेसिपी है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखकर आप घर पे बड़े ही आसानी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जवान।